सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू ग्रेना फ्री फायर। तो गाइज बहुत दिन के बाद आप सब फिर स्वागत है ग्रेना फ्री फायर के और एक लेटेस्ट वीडियो में। तो गाइज यहाँ से मेस्ट्री शॉप जो आया है, जो कि सबको पता है कि थोड़ा सा जो है मेस्ट्री शॉप आने वाला नहीं था बट आ गया है। तो मेस्ट्री शॉप में गाइज हम एलाइट पास लेने वाले हैं। तो एलाइट पास लेके आपको सब जितना आइटम है गाइज वो सब मैं आइटम आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये सीजन 22 का एलाइट पास है। तो एंड गाइज जो लोग चैनल पर न्यू गाइज सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं उतना बोलता नहीं हूँ बट गाइज देखते हैं यहाँ पर लक क्या होता है। ट्राई योर लक। तो HNT सौरभ यार मेरा आईडी हो गया। तो यहाँ से हम ट्राई और लक करते हैं और देखते हैं कितना मेरा लक खराब है और कितना मेरा लक सही है। तो यहाँ से बस स्लो मोशन में यहाँ लोडिंग होने वाला है। तो लोडिंग बस हो गया एंड यहाँ से ट्राई और लक हम यहाँ से ऑप्शन पे क्लिक किया एंड यहाँ पे आप स्टॉप पे भी क्लिक कर दें एंड देखते हैं यार हमको क्या मिलता है। तो यार कम से कम 80, 85, 70 यार कुछ तो मिल जाए। तो देखते हैं यहाँ पर कितना लक हमको मिलता है। तो देखो गाइज सबसे घटिया लक मेरा था गाइज, हमको 60% ओनली ऑफ मिला है। तो गाइज इतना और मेरे पास डायमंड इसमें बहुत कम है। तो गाइज हम यहाँ से सिंपली जो है ओनली 199 यानी कि 600 का एलाइट पास हमको 200 में मिल रहा है। तो हम यहाँ से खाली एलाइट पास लेंगे गाइज। गाइज इसका इस बार का जो 22 का एलाइट पास है गाइज, इसका जो इमोट है इसका इमोट से हमको बहुत झड़कता है। यानी कि कोई भी यार ये इमोट मुझे मारने के बाद दिखाता है यार बहुत झड़की उठता है, इसलिए ये वाला इमोट हमको लेना पड़ेगा। तो पहले यहाँ से 199 डायमंड में गाइज यहाँ से इमोट एंड पांडा से का भी स्किन भी मिल रहा है और एलवाडो कैरेक्टर और डायमंड वॉचर्स। एंड यहाँ से फ्री में गाइज आप लड़की वाला स्विच कर सकते हो, नहीं तो पहले 10 डायमंड आपको लगते थे बट यहाँ से यहाँ फ्री में हम स्विच कर सकते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो यहाँ से गाइज फाइनली यहाँ से एलाइट पास यहाँ से ले लिए हैं एंड अब गाइज मैं आपको जो एलाइट पास दिखाऊंगा। तो एलाइट पास के लिए गाइज आप सिंपली अपने गेम में आ गए और अब यहाँ से गाइज एलाइट पास को देखते हैं। एलाइट पास हम यहाँ से लेने वाले हैं। तो एलाइट पास तो ले चुके हैं बट उसका अब आइटम ओपन करेंगे और एक न्यू जो 90 एक्सक्यूटी ऑनर आया गाइज अभी तक का सबसे बेस्ट 90 स्किन है। हम बहुत कोशिश किए गाइज इसको निकालने का, मेरा पूरा डायमंड वेस्ट हो गया गाइज लेकिन P90 का मेरा स्किन निकला नहीं। तो हटाओ गाइज कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ से फाइनली यहाँ से देख लो क्लेम करते हैं। सबसे पहले एक सड़ा हुआ टी शर्ट आया एंड वेपन रॉयल्स मिला एंड CGS 15 का ये एक स्किन आया जो कि अभी तक में ऐसा सड़ा हुआ स्किन अभी तक में था नहीं। और उसके बाद यहाँ से एक पैरासूट मिल गया एंड उसके बाद एयर ड्रॉप मिल गया यहाँ से। एंड चलो गाइज देखो कैस्टल क्रेश वाले दोस्त अभी तुम लोग समझोगे नहीं यार, जो लोग फ्री फायर खेलते हैं ना वही लोग समझ रहे हैं। तो जिसे पता नहीं गाइज मैं 2-3 गेम खेलता हूँ, तो कैस्टल क्रेश और फ्री फायर ये दोनों कंपलसरी गेम खेलते रहता हूँ। तो इसीलिए गाइज यहाँ से कुछ कुछ मेरे फ्रेंड लोग हैं तो वो लोग कुछ जो लोग फ्री फायर खेलते हैं उसको पता होगा। तो इसीलिए गाइज मैं फ्री फायर के लिए बना रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा रेयर वीडियो था ना, इसीलिए गाइज मैं थोड़ा डाल दिया था। बट गाइज टेंशन नहीं, वनली आएगा तो आएगा कैस्टल क्रेश का ही। तो यहाँ से गाइज देख लो यहाँ से आ गया एक लड़की वाला बंडल, डूम सैडी बंडल, एकदम सड़ा हुआ बंडल है गाइज। हम सिंपली डायरेक्ट मुंह पे बोलेंगे एकदम हमको अच्छा नहीं लगा ये लड़की वाला बंडल भी इस पर खराब दिया है। 22 का एलाइट पास में गाइज हमको सिर्फ ये जो लड़का वाला बंडल है इसका बस खोपड़ी का जो ये बाल है बाल हमको अच्छा लगा, बाद बाकी हमको कुछ अच्छा इसका नहीं लगा। और एक इमोट और एक स्केटबोर्ड, ओनली 3 चीज़, लड़का वाला बंडल का बाल और स्केटबोर्ड और जो है इसका इमोट, बस 3 चीज़ हमको अच्छा लगा बाद बाकी और हमको कुछ इस पर का एलाइट पास में अच्छा नहीं लगा। तो जबकि बहुत ज़्यादा यार डायमंड होता है लेकिन देख लेते हैं लास्ट तक कोशिश कर लेते हैं इसको। यहाँ से इमोट भी ले लिए हैं एंड स्कैनर मिल गया एंड फिर 500 डायमंड का देख लो इमोट यही है। तो बहुत ही झड़खाऊ टाइप का इमोट है यार, इमोट बहुत ही लचक के यार अपना इमोट दिखाता है। यहाँ से कुछ अवतार और बैनर यही सब मिल रहा है, उसके बाद फिर स्कैनर मिल गया एंड फाइनली गाइज यहाँ से देखो पहला वाला स्केटबोर्ड यहाँ से मिल गया। तो इसमें गाइज आपका जो है पीछे पीला कलर का धुइया निकलेगा, मतलब ये पॉल्यूशन फैलाने वाला स्केटबोर्ड है। एंड उसके बाद यहाँ से कुछ फ्राई मैग्नेट है, फ्राई मैग्नेट भी ले लिया एंड उसके बाद अवतार भी ले लिया एंड डायमंड वाल का फोचर्स भी मिल गया। एंड अब जो आप बैकपैक देखते हैं, सॉरी लूट बॉक्स। तो फाइनली यहाँ से गाइज कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा एंड इसमें गाइज यहाँ से लूट बॉक्स डूम सैडी लूट बॉक्स यहाँ से डूम सैडी लूट बॉक्स ओपन हो चुका है। इसको इक्विप नहीं करेंगे क्योंकि हमको लूट बॉक्स उतना अच्छा नहीं लगा। एंड आगे देखते हैं आगे, हाँ और एक बैकपैक भी इसका अच्छा है, बैकपैक बोलना भूल गया, बैकपैक भी यार तगड़ा दिखाते हैं आपको बैकपैक। तो ये देखो गाइज ये सबसे तगड़ा जो स्केटबोर्ड है, स्केटबोर्ड इसका सबसे तगड़ा इमोट है, हमको सबसे बढ़िया इसका स्केटबोर्ड लगा इस एलाइट पास में। हमको दो चीज़ स्केटबोर्ड और इसका इमोट हमको सबसे तगड़ा मिला और 10 फ्राई मैग्नेट मिले मैजिक क्यूब का कुछ फ्राई मैग्नेट एंड यहाँ से इवोल्यूशन स्टोन में गाइज कॉन्ग्रेचुलेशन इस बार नहीं लिखा हमको पता नहीं। तो इवोल्यूशन स्टोन भी हमको यहाँ से मिल गया एंड यहाँ से बाउंटी टोकन भी मिल गया, बहुत बढ़िया बात। एंड यहाँ से देखो 500 गोल्ड आपको फिर मिल गया और ये देखो अभी हमें से बैकपैक ओपन हो रहा है, बैकपैक यार बहुत तगड़ा है, हम मतलब बताना भूल गए, बैकपैक बहुत बढ़िया बनाया और बैकपैक हमको अच्छा लगा जो रियल है, हम गाइज हम रियलिटी आपको बोलेंगे। एंड यहाँ से लेवल 4 का कार्ड मिल गया एंड पेट फूड फालतू का एंड A124 का कुछ फड़ा मैग्नेट एंड यहाँ से बॉनी पर और फाइनली यहाँ से गाइज जो बंडल है जो मेन चीज़ है
यहाँ से ओपन हो चुका है। इस बंडल में कुछ अच्छा नहीं, ओनली इसका जो बाल है, बाल हमको अच्छा लगा है ओनली, और बाद बाकी सब कुछ नहीं। तो गाइज अब मैं आपको सब चीज़ ओपन करके दिखाऊंगा। और कुछ यहाँ से एवेकनिंग एक स्टोन है गाइज, जिसका अभी तक यूज़ तो किया नहीं, पता नहीं कैसे यूज होगा। तो अगर यूज करेंगे तो होगा, तो आपको मैं आपको आगे बता दूंगा। तो यहाँ से देख लो, इसको क्लेम कर लिया फाइनली, एंड यहाँ से क्लेम हो गया। एंड अब आगे आते हैं, आगे देखते हैं अब यहाँ से बंडल को ओपन करके। तो बंडल को ओपन करेंगे, एंड ओपन करने पे देखते हैं इसका बाल उल, और लड़की वाला और लड़का वाला दोनों बंडल को ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से फाइनली यहाँ से बंडल में आ चुके हैं, एंड फाइनली यहाँ से लड़का वाला जो बंडल है देखोगा, जिसका जो हेयर है ना, हेयर ही थोड़ा सा इसमें इस बंडल में थोड़ा सा जस्ता है, बाद बाकी और कुछ हमको इस बंडल का अच्छा नहीं लगा। मतलब इसका मास्क गैस तुम लोग को अच्छा लगे अलग बात है, लेकिन गैस हमको कुछ अच्छा नहीं लगा, हमको बस इसका बाल अच्छा लगा और कुछ नहीं। और लड़की वाला बंडल में तो हमको गैस कुछ अच्छे नहीं लगा इस बार का एलाइट पास। एंड गैस बताते हैं इसके बाद का जो 23 सीजन 23 का एलाइट पास है गैस, उसमें वो जो दिल वाला इमोट है वो इमोट आपको मिलेगा, जिसको पता नहीं, हम बताते हैं बहुत ही तगड़ा वाला इमोट है। बट उस वाले एलाइट पास में भी सब चीज़ बेकार है मेरे लिए, फालतू हमको लगता है उस बार का एलाइट पास। इसके बाद जो एलाइट पास आएगा, लेकिन उसमें एक ही प्रोस्पेक्टस पॉइंट है या उसमें दिल वाला इमोट है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देख लो इसका इमोट इक्विप कर ली, ये देखो बहुत ही यार झड़काऊ टाइप का इमोट है। तो गाइस देन थैंक्स फॉर वाचिंग एंड यू विल बी हैप्पी। थैंक्स फॉर वाचिंग, अ लाइक वुड बी अप्रिशिएटेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।